क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, एक्सरसाइज बताया नहीं, 12.1 का है, लिख रहा है ऊपर 12.1 उतना क्या है ना, यही लिख देंगे एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड चालू है ना, थर्ड और ये फोर्थ, पहले वाले सेकंड से चलेंगे समीकरण दो से, 3x + 5y इज इक्वल टू 15 जब, वही फिर से हाँ इक्वल कहाँ बराबर जीरो इक्वल है ना ऊपर, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल है ना, बराबर हो गया जब x बराबर क्या लोगे जीरो, तो y का मान क्या आएगा 3, 5 का डिवाइड हुआ आ समझ में, तो y इज इक्वल 3, फिर से जब जीरो y इज इक्वल जीरो लोगे तो 3 × 5 = 15 तो x इज इक्वल क्या आएगा 5 आ गया। एक इक्वेशन हुआ कंप्लीट, सेकंड के लिए समीकरण तीन से, इसका बॉक्स जो बना यहाँ पर बना देता हूँ, एक्स और वाई, जीरो लिए थे तो क्या आया था 3 और यहाँ पे जीरो लिए तो क्या आया 5 नेक्स्ट समीकरण क्या है 5x + 2y = 10 फिर से वाई, जब एक्स इज इक्वल जीरो वाई इज इक्वल 5 ये जीरो हो गया 2 × 5 = 10 और फिर से y बराबर 0 y इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल क्या हो जाएगा 5 2 जहां तो इतना रहा उसमें बस इतना आ रहा, ठीक है ये आपका इसके कोऑर्डिनेट के लिए बॉक्स हुआ क्रिएट, x y 0 लिया कितना आया y का मान 5 0 5 ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसमें 0 बाई लिए थे ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे दोनों, प्रतिस्थापन या विलोपन से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी कर देंगे, ये भी साथ ही साथ कर देते, इसके बाद हमारा चलेगा ग्राफ बनाना। समीकरण दो और समीकरण तीन को विलोपन विधि से विलोपन विधि से हल करने पर इलिमिनेट मेथड, ठीक है इसके गुणा करो 5 × 15 = 25 बराबर लगाएंगे 15 × 17 ठीक 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 6 30 चलो सागर घटाओ कट गया 25 × 6 - 4 = 19 इसको घटाओ जल्दी से कितना है 45 45 तो y इज इक्वल क्या होगा 45/19 इधर तुमने y को वैल्यू कहीं पुट कर दे, समीकरण किस में छोटा कौन सा लिख रहा तीसरा है ना, समीकरण तीन में y का मान रखने पर 5x + 2y = 10 5 × 45/19 + 2y = 2y = 45/19 दो का 45 दूनी कितना होता है 19 यहाँ बराबर की जगह क्या लिखना है प्लस 19 इज इक्वल 10 इसको उधर ले चलते हैं या कि इसको यहाँ यहाँ इंटू कर दो 19 × 85 कोई बात नहीं चलो या कि मैं क्या करता हूँ 5x = 10 - 19/90 कर दिया ठीक है 5x = इसका इसमें इंटू कर दो कितना हुआ 190 - 90/19 कितना चलेगा क्या इसके आगे चलेगा 5x = दोनों सेपरेट करो 100/19 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं चलेगा तो यहाँ पे कर देता हूँ कितना हो जाएगा x = 100/19 नीचे आ गया ना डिवाइड करो कितना हुआ 20/20/19 कंप्लीट। अब ये हो गया x और y की वैल्यू अतः करके लिख देता हूँ एक्स बाई 45/19 और y = 20/19
यहाँ में ये बाई हरी है तो पहले बाई निकला फिर अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना ग्राफ इतना जाएगा ना उसमें इससे ज्यादा भी आ रहा है अभी देखे लगाएगा ऊपर नहीं जाएगा ऊपर नहीं जाएगा ना हो गया हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए देख लेते हैं पांच तक है ना और 19 से कम 19 तक ठीक है तो ये इधर गया तो ये हमारा एक्स डैश हुआ और ये हो गया थोड़ा छोटा कर देता हूँ पांच तक तो आ जाएगा ना ये एक्स हो जाएगा इधर छोटा कर देता हूँ ये बाई हो गया और यहाँ आ गया आपका बाई डैश ये ओरिजिन हुआ मूल बिंदु मूल बिंदु क्या होता है जीरो 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 हो गया इसके बाद 1 2 3 4 5 6 तक लिया यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ी ज़्यादा ही ले लेते हैं अब पहले पे चलते हैं तो पहला क्या था जीरो से थ्री यानी एक्स जीरो है ये थ्री चला गया है ना इसका नाम मैंने दे दिया ए पॉइंट ए हुआ जीरो टू थ्री उल्टा हुआ थ्री जीरो थ्री और जीरो उल्टा हो ही गया y का मान 3 आना चाहिए तो ऊपर बनेगा x 0 रहेगा y ऊपर 3 जाएगा ऊपर जाएगा यहां पे कर देता हूं ना ये होगा x 0 हुआ मतलब कि कहां है इसकी b 03 आएगा और ये बनेगा 50 5 0 5 0 5 0 यहां पे इसको हटा देता हूं ये बन गया आपका 5 2 0 ये हमारा a कहलाएगा तो ये रेखा ड्रॉ हो जाएगी पहला काम हम यही करेंगे इससे पहले वाली भी जो क्वेश्चन मैंने बताया था मैंने इसको मेंशन नहीं किया था इक्वेशन भी लिख देना 3x + 5y = 15 या फिर ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट ये लास्ट में हम लिख देंगे हाँ अभी नहीं लिखेंगे ओके पहला समीकरण है ना सॉल्व हुआ है थोड़ा और लेंथ बना लेते हैं यहाँ लिख देते हैं 3x + 5y और लेस देन आर इक्वल 15 सॉल्व हुआ है इसमें अगला वाला क्या था अगला वाला था 0 to 5 ऊपर चला गया यहाँ ए बी हुआ तो ये क्या हो जाएगा सी क्या आ रहा है 0 से 5 और ये क्या आएगा 2 हो गया ये कितना है 2 0 2 0 D D D 2 0 जीरो यही है ना अब इन दोनों को कर देते हैं ये जो ये कटान बिंदु है ना डी के बाद ये हमारा ये पॉइंट ये जो है ना यही है ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन तो एक्स की वैल्यू क्या है 20.19 और वाई की वैल्यू क्या है 45.19 ये हमारा कटान बिंदु है इस इक्वेशन में भी आपको ये मेंशन कर देना इस इक्वेशन का ये सेकंड वाले में जो लाइन ड्रॉ की अब क्या है सच दैट करके आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे किसी भी वैल्यू पे रखोगे ना किसी पे मतलब कहा जाए कि किसी पर रख लेते हैं 3x + 5y < 15 यहाँ दोनों को जीरो रखो तो 0 + 0 < 15 है ना 0 < 15 ये सत्य है ना बराबर है ना जो कथन था वो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है मतलब 0 से छोटी ये 15 बड़ा है तो ग्राफ कहाँ आएगा अंदर की ओर ये बन गया अब हमारा वो बचेगा क्या कोणी बिंदु और क्या बनाना है जेड के संगत मान तो शीर्ष बिंदु इतने में आ जाएगा ना सागर शीर्ष बिंदु और जेड इज इक्वल संगत मान क्या है जेड इज इक्वल 5x + 3y है ना तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ हमारा ग्राफ इसके अंदर आ रहा है ना पूरा तो 0 0 0 हो गया ओ 0 एक इसके बाद डी आ रहा डी आपका क्या है 2 0 0 डी के बाद ई आ रहा तो ई को मैं लास्ट में रख लेता हूँ पहले बी रख लेता हूँ बी कितना है 0 3 0 3 और अपना ई आया है जो वो क्या है 20/19 और आया है 45/19 इतार आ गया नीचे yes, दिख जाएगा जीरो 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 पूरा ग्राफ
क्रिएट हो, इसमें आपको आप 5 नंबर मिलेगा जब इतना पूरा कंप्लीट करेंगे। पहला तो 0 आएगा, कंफर्म है ना? यस सर। यहां x की वैल्यू 2 रखो, 2 5 10 10 आया। इसमें क्या है, ये वाला 0 हो, तो 3 त्रिकाई 9 हुआ। अब इसमें चलते हैं, अब इसको करो सॉल्व करो जल्दी से। 20 5 100 बटे 19 यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे कर देते हैं 5x 5 इंटू 20 अपॉन 19 और प्लस क्या होगा 3 इंटू 45 अपॉन, दिख रहा क्या है यहाँ पे 19। यस सर, इतना रहा ना, अगर हो रहा तो ये हुआ 100 अपॉन 19 और प्लस करेंगे 45, 3 5 15, 3 6 13, ठीक है ना। अब ये दोनों जुड़ गए तो कितना हुआ 5 3 और 235 बटे 19 का भाग करो, 19 दुनिया 38 वैसे ही जा रहा है। हां एक बार ना जाएगा, उससे ज्यादा क्या करोगे, 9 4 13 19 दुना 19 दुना 48 हो जाएगा, 48 के साथ हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 70 हो जाएगा, तो ये आएगा कितना आ जाएगा, कितना बचा था, 47 था ना, 19 दुनिया 38 7 बचा था, 770 तो 19 3 57 19 4 3 12.13 आएगा, 12.3 रख दो। इसे क्या बोला, तो उच्चतम अधिकतम मान निकालना है ना, इसी पे आएगा अधिकतम मान, आ गया समझ में, ये आपका अधिकतम मान हुआ। ये रफ वर्क था, मैं इसको रेज कर देता हूँ ना, आंसर यही आया था। यस सर, अधिकतम मान। यस आता है, लिखना आता है उसका, E 20 अपॉन 19 और 44 अपॉन 19 पर समीकरण का उच्चतम मान प्राप्त होता है। लिख लोगे ना अभी, आंसर मिला लो जल्दी से, जेड का अधिकतम मान E 20 अपॉन 19 और 14 अपॉन 19 यहाँ लास्ट में कर देना पर प्राप्त होता है, ठीक है, समझ आ गया।